यहाँ पर इस वीडियो में ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन एम्पियर प्राइमस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ करने वाले हैं, क्योंकि एम्पियर कंपनी की जो प्राइमस आती है कुछ टाइम पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है, जिसके लुक और डिजाइनिंग और फीचर्स और रेंज बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये दोनों आपकी पसंद बन सकती है। तो इन दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, प्राइस में कितना डिफरेंस है, ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक पॉइंट कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ओला S1 में आपको टोटल 11 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक आपको एक लिमिटेड कलर मिलेगा जो कि गेरुआ कलर है। बाकी जो 10 स्टैंडर्ड कलर है यहाँ पे आपको व्हाइट, नियो मिंट, कोरल ग्लैम, जेट ब्लैक, लिक्विड सिल्वर, मार्शमेलो, पिंक, ग्रे, ब्लू और मैट ब्लैक देखने को मिल जाती है। तो कलर ऑप्शन आपको काफी सारे यहाँ पे ओला S1 में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वही अगर आप एम्पियर प्राइमस लेते हैं तो यहाँ पे केवल आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक शामिल है। इसके अलावा इसमें भी आपको एक लिमिटेड कलर RCB लिमिटेड एडिशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कलर ऑप्शन आपको ज़्यादा ओला S1 में मिल जाती है। बाकी जो लुक और डिजाइनिंग है उसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप ओला S1 की डिजाइनिंग देखते आ रहे हैं। इसमें आपको हेड के ऊपर हेडलैम्प मिल जाता है, काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग की यहाँ पे हेडलैम्प सेक्शन मिल जाती है। फ्रंट एप्रन पे कोई ग्राफिक्स नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे टर्न इंडिकेटर लाइट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर साइड व्यू की बात करें तो ये स्कूटर थोड़ी सी कम प्रैक्टिकल है, क्योंकि ओला S1 जो कि फ्लैट फ्लोरबोर्ड के साथ नहीं आती है, यानी कि फ्लोरबोर्ड पे आप कुछ ऐसे सामान रख के नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे हुक दिया गया है, टांग सकते हैं। बाकी सीट की डिजाइन दे सकते हैं, काफी बड़ी मिल जाती है। साथ ही पीछे ग्रैब रेल भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। लुक और डिजाइनिंग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की काफी अलग है बाकी अन्य स्कूटर्स के मुकाबले में। लेकिन वही अगर आप एम्पियर प्राइमस देखते हैं तो नॉर्मल जैसे स्कूटर आती है कुछ उसी तरीके के लुक के साथ मिल जाती है, जहाँ पे फ्रंट के हेड पर आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, DRS दी गई है। इसके अलावा अगर इसे साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़े से प्रैक्टिकल स्कूटर है, क्योंकि फ्लोरबोर्ड पे आपको स्पेस भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको लंबी सीट भी देखने को मिल जाती है, इसके साथ ही पीछे यहाँ पे कैरियर भी देखने को मिल जाता है। तो लुक यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में आपको प्राइमस की बैजिंग भी मिल जाएगी, पीछे आपको टेल एम सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो एक अच्छे लुक के साथ यहाँ पे आपको प्राइमस भी देखने को मिल जाती है। तो लुक वाइज जो भी आपको पसंद है उसको आप चूज कर सकते हैं। बाकी अगर मोटर पावर की अगर बात करें तो ओला S1 में आपको मिड ड्राइव मोटर मिल जाता है, जो कि 8.5 किलोवाट का पावर और 58 Nm का टॉर्क जन करती है। तो एम्पियर प्राइमस में आपको 4 किलोवाट की मिड बाउंड यहाँ पे आपको मोटर देखने को मिल जाती है। तो पावर आपको ओला S1 में ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर बैटरी की अगर बात करें तो ओला S1 में आपको 3 किलोवाट और 2 किलोवाट आपको अलग अलग ऑप्शन वाली बैटरी पैक वाली आपको स्कूटर मिल जाती है, जो कि लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ आती है। फिक्स बैटरी मिलती है, निकाल नहीं सकते इसके बैटरी को। लेकिन एम्पियर प्राइमस में आपको 3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन LFP बैटरी मिलती है। इसके साथ ही बैटरी कैपेसिटी कहीं ना कहीं दोनों की आपको सिमिलर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको ओला S1 में 2 बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है अलग अलग। ओला S1 की जो बैटरी है 100% चार्ज होने में 5 आवर्स का समय लेती है, तो एम्पियर प्राइमस की जो बैटरी है ये भी 4-5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। ओला S1 की जो बैटरी है फुल चार्ज होने के बाद जो इसका 3 किलोवाट वाला बैटरी पैक है 141 किलोमीटर पर चार्ज IDC रेंज देती है, लेकिन जो ट्रू रेंज है 128 किलोमीटर पर चार्ज की मिल जाती है इको मोड में। एम्पियर प्राइमस की जो बैटरी है ये फुल चार्ज होने के बाद 107 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज देती है। ये IDC रेंज है, ट्रू रेंज लगभग आपको 90 किलोमीटर पर चार्ज की देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको रेंज थोड़ी सी बढ़िया ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाती है, क्योंकि ओला स्कूटर में आपको रेंज काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, कोई भी मॉडल से इसका ले लेते हैं। बाकी जो टॉप स्पीड है ओला S1 की टॉप स्पीड 95 km/h तक है, लेकिन एम्पियर प्राइमस की टॉप स्पीड 77 km/h तक है। इसके अलावा ओला S1 0-40 km/h रफ्तार 3.8 सेकंड पकड़ लेती है, तो एम्पियर प्राइमस 0-40 km/h रफ्तार 4.2 सेकंड पकड़ लेती है। यहाँ पे आपको बढ़िया स्पीड एक्सेलरेशन भी आपको ओला S1 में देखने को मिल जाती है। बाकी ओला S1 के फ्रंट में आपको सिंगल साइड फॉक सस्पेंशन और रियर में मोनो शॉक सस्पेंशन मिल जाता है, लेकिन एम्पियर प्राइमस के फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक और रियर में ड्यूअल शॉकर आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बढ़िया सस्पेंशन आपको रियर के साइड ओला में मिल जाता है, बाकी फ्रंट के साइड आपको बढ़िया सस्पेंशन एम्पियर प्राइमस में देखने को मिल जाती है। टायर साइज की बात करें तो ओला S1 के फ्रंट और रियर में आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। तो एम्पियर प्राइमस के फ्रंट और रियर में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, लेकिन ओला S1 के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक जो कि 220 mm का दिया गया है और रियर में 180 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन एम्पियर प्राइमस के फ्रंट और रियर में आपको केवल ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम भी बेहतर ओला S1 में दी गई है। बाकी फीचर्स की बात करें तो ओला S1 में आपको CVS की कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि एम्पियर प्राइमस में भी दिया गया है। ओला S1 में आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाती है, जो कि LED DRS के साथ आती है।
तो एम्पियर प्राइमस में भी आपको एलईडी हेडलैम्प के साथ एलईडी डायल्स देखने को मिल जाती है। ओला S1 में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, फोन कॉल अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, बैटरी स्पीड, वॉइस कंट्रोल, ये सारे आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाता है। डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। लेकिन एम्पियर प्राइमस में भी आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आती है, जहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, स्पीड, बैटरी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, मोड, ऑडोमीटर, ये सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन जो डिस्प्ले की साइज है और यहाँ पे जो टच स्क्रीन वाला फीचर है, वो आपको ओला S1 में बेहतर देखने को मिल जाती है। कुछ ज्यादा यहाँ पे फीचर्स दिए गए एम्पियर प्राइमस के मुकाबले में। इसके अलावा ओला S1 में आपको रिवर्स मोड देखने को मिल जाता है, जो कि एम्पियर प्राइमस में भी आपको रिवर्स मोड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ओला S1 में आपको 36 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, काफी बड़ी बूट स्पेस दी गई है। लेकिन एम्पियर प्राइमस में आपको केवल 22 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। ओला S1 में USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जहाँ पे आप स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो एम्पियर प्राइमस में भी आपको फ्रंट में पॉकेट मिल जाता है, जहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ओला S1 में आपको कीलेस स्टार्ट मिल जाता है, एंटी थेप अलार्म दिया गया है, लेकिन आपको स्मार्ट की एम्पियर प्राइमस में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ओला S1 में आपको 3 राइडिंग मोड भी मिल जाता है, जिसमें इको, नॉर्मल, स्पोर्ट शामिल है। तो एम्पियर प्राइमस में भी 3 राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिसमें इको, सिटी और पावर शामिल है। इसके अलावा ओला S1 में आपको मोड, प्रॉक्सिमिटी, लॉक अनलॉक, हील होल्ड, ये सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं OTA अपडेट के बाद से। लेकिन एम्पियर प्राइमस में ये सारे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फीचर्स के मामले में ओला S1 थोड़े से आगे जरूर है, थोड़े से ज्यादा आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपको एम्पियर प्राइमस में एक चीज अच्छी देखने को मिल जाती है, कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे सारी गार्ड और लेडी पिलियन फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। नॉर्मली ये डेली यूज के लिए काफी यूजफुल फीचर होती है, जो कि आपको ओला S1 में देखने को नहीं मिलेगा। एक्सेसरीज के तौर पे आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, तो ये भी आपको एक अंतर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आपको केवल फीचर्स ही चाहिए, फीचर वाली ज्यादा स्कूटर चाहिए, तो ओला S1 ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि प्राइमस में वो सारे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जो कि ओला S1 में आपको थोड़े से एडवांस जो फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी कुछ डायमेंशंस की बात करें तो ओला S1 का जो लेंथ है 1859 mm, V712 mm, हाइट 1160 mm, व्हील बेस 1359 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, और इसका जो कर्वेट है 121 kg है, लोडिंग कैपेसिटी 150 kg है। तो एम्पियर प्राइमस का जो लेंथ है 1910 mm, V705 mm, हाइट 1133 mm, व्हील बेस 1400 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm, कर्वेट 130 kg, और इसका जो लोडिंग कैपेसिटी है 150 kg है। यहाँ पे आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस ओला S1 में देखने को मिल जाती है, और हल्की भी आपको ओला S1 देखने को मिल जाएगी। लोडिंग कैपेसिटी लगभग दोनों के सेम है। वही बात आती है, इस सारे फीचर्स के साथ, इतने सारे डिफरेंस के साथ, इनके प्राइसिंग में कितना आपको अंतर मिलेगा। तो ओला S1 में आपको दो वेरियंट मिल जाता है, दो बैटरी पैक के साथ मिल जाता है। तो ओला S1 का एक्स रूम दिल्ली में प्राइस 2 kW बैटरी पैक के साथ 99,999 यानी कि 99,999 रुपए तक है, जो कि फेम 2 सब्सिडी के बाद ये प्राइस है। तो इसका जो 3 kW बैटरी पैक वाला है, उसकी एक सिम प्राइस 1,14,999 यानी कि 1,14,999 रुपए तक है। तो एम्पियर प्राइमस देते हैं, तो इसका जो एक्स रूम दिल्ली में प्राइस है 1,09,900 यानी कि 1,09,900 रुपए तक है। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी सस्ती ही चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा कम रेंज मिलेगा, तो ऐसे में आप ओला S1 के साथ जा सकते हैं। 99,999 यानी कि लगभग 1,00,000 के एक्स रूम प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए और रेंज भी आपको ज्यादा चाहिए, तो इसके आप 3 kW बैटरी पैक के साथ जा सकते हैं ओला S1 के, जो कि आपको थोड़ी सी आपको महंगी मिलेगी, 1,15,000 के एक्सिम प्राइस मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको एम्पियर थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है अगर आप 3 kW के साथ जाते हैं। तो प्राइस में बस यही आपको डिफरेंस है, लगभग आपको 5,000 से 6,000 रुपए तक सस्ती एम्पियर प्राइमस मिल जाएगी ओला S1 3 kW बैटरी पैक वाले वेरिएंट के साथ। लेकिन अगर आपको सस्ती भी चाहिए, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओला S1 में। तो इन दोनों में से जितने भी डिफरेंस थे मैंने आपको बता दिए, अब आप चूज कर सकते हैं आपको किसके साथ जाना चाहिए। अगर आपको थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिकल स्कूटर चाहिए, फ्लोर बोर्ड पे आप चाहते हैं सामान हमेशा रख के ले जाना, तो ऐसे में एम्पियर प्राइमस आपके लिए बेहतर रहेगी। बाकी जो इनकी ऑन रोड प्राइस है, इसमें आपको RTO इंश्योरेंस का जो पैसा ऐड हो जाता है, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जो कि आपको 15,000 के आसपास में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपके पास इतना बजट है, तो इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है। जितनी भी जानकारी थी मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अलग अलग स्टेट में आपको सब्सिडी अलग अलग मिलती है, तो प्राइस भी आपको थोड़ा बहुत अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।